दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अंतिम ओवर में जीत के लिए चाहिए 17 रन, हार के मुकाम पर थी टीम इंडिया। फिर रोहित पांड्या ने अपने बल्ले से कहर बरपाते हुए मचाई ऐसी तबाही, बदल कर रख दिया T20 का इतिहास। तो आखिर कैसे रोहित, हार्दिक और सूर्या के छक्कों से दहल उठा मुंबई का मैदान। कप्तान रोहित ने अंतिम गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर कैसे दिलाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 में भारत को चमत्कारी जीत। लाखों दर्शकों की सांसें थाम देने वाला इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वनडे में टीम इंडिया को धूल चटाकर घमंड में चूर ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम ने इस कदर पीटा है जिसके बाद वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई है। 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जा रहा था, जहां पर एक बार फिर भारतीय टीम ने अपना बदला चुकाते हुए पूरे क्रिकेट जगत को अपने सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर कंगारुओं को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। उनके लिए डेविड वार्नर के साथ कैमरन ग्रीन की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए आई। ये दोनों अपनी टीम को सकारात्मक शुरुआत दिलाना चाहते थे। ग्रीन ने शमी को पॉइंट के ऊपर से छक्का जड़कर अपने रनों का खाता खोला। दूसरे ओवर से वार्नर ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। दोनों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पावर प्ले में अपनी टीम को 55 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि ये दोनों सिर पर कफन बांध कर आए थे। भारतीय फैंस के चेहरे पर निराशा की लहर देखी जा सकती थी, पर रोहित ने बहुत जल्द चुटकियों में मुकाबले को पलट दिया। धोनी की तरह चालाकी दिखाते हुए उन्होंने रविंद्र जडेजा को उन्होंने गेंदबाजी सौंपी और जड्डू ने आते ही मात्र 20 गेंदों पर 3 छक्कों की बदौलत 35 रन बनाकर खेल रहे ग्रीन को क्लीन बोल्ड कर टीम में वापसी करवाई। उसके बाद उन्होंने शमी, सिराज, जडेजा सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई की थी। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई थी और वार्नर ने भी अपनी जबरदस्त फॉर्म दिखाते हुए 36 गेंदों पर 50 पूरा किया। ये दोनों टीम इंडिया के लिए काल का दूसरा नाम बन गए और भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 20 ओवरों में 199 रनों तक पहुंचा दिया। वार्नर 82 रन की पारी खेलकर आउट हुए थे तो वहीं मार्श ने भी 63 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया। पर टीम इंडिया इतनी आसानी से हारने वाली नहीं है, ये भी उन्होंने बहुत जल्द दिखा दिया। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए मिस्टर 360 सूर्या ने टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए आतिशी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने अर्धशतकीय पार्टनरशिप कर भारतीय टीम की पारी को पटरी पर वापस ला दिया। अचानक से ये मुकाबला पलटने लगा था। सूर्य कुमार यादव ने अपना वनडे का बदला पूरा करते हुए तूफानी अर्धशतक केवल 29 गेंदों में पूरा कर कंगारुओं की गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया था। पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज रहा था, लेकिन अर्धशतक पूरा करते ही सूर्य कुमार यादव जैम्पा को अपना विकेट दे बैठे 55 रनों के स्कोर पर, वो भी चलते बने। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या दूसरे छोर पर कप्तान रोहित के सराहनीय बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर दिया, जिस पर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था। भारत की जीत के लिए अभी भी केवल 7 ओवरों में 78 रन चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया सोच रही थी कि वो इस मुकाबले को आसानी से जीत लेगी, लेकिन मैदान पर मौजूद थे विश्व के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज जो किसी भी गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ाने में माहिर हैं। और दोस्तों ऐसा ही हमें देखने को मिला। हार्दिक ने आते ही अपने आक्रामक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मिचेल स्टार्क को एक ओवर में 19 रन ठोककर मुकाबले को भारत की तरफ झुका दिया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के साथ साथ उनके फैंस की भी आंखें फटी की फटी रह गई। पलक झपकते ही इन दोनों ने एक मजबूत पार्टनरशिप की मुकाबला अंतिम ओवर तक चला गया, जहां 6 गेंदों पर जीत के लिए 17 रनों की दरकार थी और कप्तान रोहित शर्मा को अपना शतक पूरा करने के लिए भी 16 रन चाहिए थे। अंतिम ओवर में सामने चुनौती मिचेल स्टार्क की, पर हिटमैन शर्मा के आगे बड़ा से बड़ा गेंदबाज भी पानी भरता नजर आता और ऐसा ही कुछ हमें इस ओवर में भी देखने को मिला। रोहित ने अपनी पहली 2 गेंदों पर लगातार उन्होंने 2 चौके जड़ दिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन लेकर भारत की जीत को लगभग सुनिश्चित कर दिया। मिचेल स्टार्क ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने गेंदबाज को अपने पुल शॉट से छक्के के लिए भेजकर एक रोमांचक मुकाबले में भारत को जीत दिला दी थी। 9 छक्कों की बदौलत हिटमैन ने ऐतिहासिक शतक ठोककर ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत को छीन लिया था। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को तो अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जीते हुए मुकाबले में उन्हें रोहित ने बुरी तरह से धूल चटा दी। हिटमैन ने एक बार फिर पूरे क्रिकेट जगत को टीम इंडिया के सामने घुटनों टेकने पर मजबूर कर दिया। जी हां दोस्तों, इस T20 मुकाबले में तो रोमांच की अपनी सारी हदों को पार कर गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि IPL में भी कप्तान रोहित शर्मा इसी तरह का शानदार प्रदर्शन कर मुंबई को 6ठी बार चैंपियन बना पाएंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।